मैं बनारसियों का एक परिचय बताने की कोशिश करता हूँ आपकी मस्ती के नाम, कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के गंगा में नहाई नित स्वस्थ हैं बनारसी। बनारसी होते कैसे हैं भाई साहब, कि भाई यहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के गंगा में नहाई नित स्वस्थ हैं बनारसी। मैं आयोजक मंडल से मेरी शिकायत है, दो महिलाओं को एक पास न बैठाया करें भाई, कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के गंगा में नहाई नित स्वस्थ हैं बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। और यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक्के जबरदस्त हैं बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक्के जबरदस्त हैं बनारसी। और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे भगती में भांग छाने मस्त है बनारसी। बनारसी हमेशा मस्त रहता है भाई साहब। बनारस महादेव, अब गुरु बनारस जग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है आप सुन रहे हैं। बनारस तो अद्भुत ही शहर है। एक बहुत बड़े सज्जन थे जो बनारस घूमने के लिए आए, लोगों ने उन्हें कह दिया कि भैया बनारस जा रहे हो तो बनारस में नागा बाबा बहुत होते हैं, एक एक नागा का भी आशीर्वाद मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। अब वो दशाश्वमेध घाट पे उतर के नहाने के बाद लगे नागा खोजने, एकदम इत्तफाक से सामने घाट पे गंगा किनारे सीढ़ी पर एकदम साक्षात नागा बाबा का दर्शन हुआ। वो तुरंत नागा बाबा का पैर पकड़ लिए। कबो कबो स्लिप टंग ऐसे भी हो जाला, समझा तू। तो नागा बाबा के तुरंत पैर पकड़ लिए और कहे नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मैं बहुत धनी हो जाऊं। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे बाल बच्चे सुखी रहे। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, खूब पैसा कमाऊं। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। नागा बाबा पैर झटक के बोले काहे का नागा यार, वो तो हम नहा रहे थे, कौनो मिला कपड़ा मार दे ले। तो बड़ापुर शहर साहब, आपके मस्ती के हवाले ये बातें कर रहा हूँ। अच्छा अभी 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 आप देखिए, ये महिलाएं जितनी बैठी हुई हैं मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत लंबे बालों की सुरक्षा करना बहुत कठिन काम है, हने सच बता रहा हूँ। लंबे बाल होने के कारण अक्सर लोग जुओं की समस्या से त्रस्त रहते हैं। ये अनुभव मुझे तब हुआ जब मैंने खुद के बाल लंबे किए, तो मैं एक दवाई बनाने की कोशिश की, मैंने वो दवा आप तक पहुँचा रहा हूँ, सुनिएगा। मैंने कहा फटे हुए बेडॉल कुर्ते पैजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडॉल कुर्ते पैजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर भैया बाबू साहब सेठ जी माई बाप कहाँ जा रहे हैं आप, हुजूर भैया बाबू साहब सेठ जी माई बाप कहाँ जा रहे हैं आप, तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फिरती वितराई, बोली कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी सिर्फ 150 रुपये में आपका झोंटा सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई, जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई, अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी एक पत्थर और एक पर्ची निकली, डब्बे से एक हथौड़ी एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए, मार, मार, जुओं को पकड़िए। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। देखिए अब आप मूड में आ रहे धीरे धीरे, मैं एक छोटी सी कविता और व्यंग रखना चाहता हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा। ये नहीं गुरु वो अलग की बात है, मैं अभी अभी शेमारू टीवी और शैलेश लोढ़ा के कार्यक्रम में पढ़ के आया हूँ, बड़ा एक चार पंक्तियाँ मेरी वायरल भी हुई वहाँ से। फिर मैंने कहा वो लड़कियाँ कहती हैं ना कि मैं पापा की परी हूँ, तो मेरी वाली भी ऐसे ही कहा करती थी कि मैं पापा की परी हूँ। तो मैंने भी उसको जवाब में कहा कि तू बहुत गोरी मैं कृष्ण पक्ष हूँ। देखिए लड़कों की तरफ से मैंने कहा तू बहुत गोरी मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है मैं कच्छ हूँ, अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। अपने पापा की परी तो है तो फिर
जवाब देना हो तो गुरु हम पीछे नहीं हटते हैं, जवाब में तो फिर अच्छा वो उसकी एक एक बात बमबारी की तरह मेरे दिल पे गिरती थी। तो मैंने चार मिसरे और लिखने की कोशिश की। मैंने कहा कि इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है। अंग्रेजी का प्रयोग किया भाई साहब, सुनिएगा, पढ़ा लिखा कवि हूं, कि इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है। कैसे कहूं कि दिल में मेरे पेन नहीं है। रशिया की तरह आप मिसाइल न मारिए, ये मेरा कलेजा कोई यूक्रेन नहीं है। रशिया की तरह आप मिसाइल न मारिए, ये मेरा कलेजा कोई ऐसी कुछ छोटी मोटी। मैं एक बार बिहार के दौरे पर चला गया दोस्तों, लोगों ने कहा देशभक्ति कविता लिखो, तो अब भाई मैं मजाहिया शायर हूँ तो मैं क्या देशभक्ति लिखूँ। फिर भी मैंने नया प्रयोग किया है, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अच्छा, मोहब्बत के माध्यम से देशभक्ति साबित कर रहा हूँ, सुनिएगा, कि उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह, है मेरी जान तो। ये लिखने के बाद दोस्तों मैं बिहार में चला गया। अच्छा, बिहार जाने के बाद इन पंक्तियों को उलटना पड़ा। वहां पर बुद्धिवर्धक चूरन चलता है। हाँ, आप सब बहुत लोग जानते होंगे, सेवन भी करते होंगे। चूरन बड़ा बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। तो मैंने इन पंक्तियों को पलट के लिखने का प्रयास किया। मैंने कहा उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, क्या बात है, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। सुरती का तो जवाब ही नहीं है दोस्तों। मैं नया प्रयोग करता हूँ और इन चार पंक्तियों के माध्यम से आपको लगे कि कुछ नया हुआ है। मैंने कहा कि हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। अच्छा, पटिया गाटर वाला कविता खाली बनारसी समझ सकते हैं कि हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। शिवा भैया कहाँ है, हुआ ए गुरु प्रणाम करते ही आप समर्पित कर, सुना, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। क्या बात, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। दिलरुआ के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों की मोहब्बत के हवाले करता हूँ एक छोटा सा व्यंग। मैं बहुत सारे मुक्तक है, बहुत लंबी यात्राएं भी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, आपका प्यार बरसता है। देखिए, मोहब्बत बहुत अलग टाइप की चीज है। ये सारे शायरों ने मोहब्बत पर बातें कही। ए गुरु बाबा तू लोग कभी चाहिए यार, हाँ, ये सारे लोगों ने मोहब्बत पर बात कही। चार मिसरे मैं भी सौंपता हूँ, मंच के हवाले करता हूँ, सुनिएगा, कि नगमों का ये सिलसिला होता काश ये दिल नासना होता, नगमों का ये सिलसिला होता काश ये दिल नासना होता, वो अगर बेवफा नहीं होती मैं भी शायर कहाँ बना होता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर करता हूँ। नगमों का ये सिलसिला होता काश ये दिल नासना होता, वो अगर बेवफा नहीं होती मैं भी शायर कहाँ बना होता। दोस्तों, शादी बहुत लोगों की आप में से हो गई है, बहुत लोगों की होने वाली है, कई लोग इसका अनुभव लेते लेते अब मन उनका खटास आ गया है, बहुत स्थिति खराब है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, शादी के बाद आपकी बेगम जन्नत की हूर क्यों न मिल जाए, स्वर्ग की अप्सरा क्यों न मिल जाए, लेकिन दिल के अंदर जो कसक रहती है वो कसक कभी नहीं जाती। वो कसक क्या है मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आप मियां बीवी हैं तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत से चेहरे हाँ में हिल रहे हैं। वो कसक मैं आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा, वो कसक नहीं जाती। और आप सबके दिल का दर्द बताता हूं, जो जोड़े में बैठे हैं वो ज्यादा ताली नहीं बजा पाएंगे, नहीं तो घर जाके उनको बजाना पड़ेगा। मैं सुनिएगा, मैं चार मित्रे पढ़ता हूं। मैंने कोशिश की वो कसक बताने की। मैंने कहा ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, बादे सबा सवेरे की ताजी हवा, वैसे भी शाम को ही आती, सवेरे उसका कोई मायने नहीं रहता। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी,
मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। क्या बात है, मेरे खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आइए एक छोटी सी कविता और एक गजल से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आपके आपके मस्तियों के नाम करता हूँ, सुनिएगा। अभी अभी यूपी का चुनाव खत्म हुआ है, हर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता हुआ देखा गया, तो मैंने वहां से एक व्यंग उठाने की कोशिश की, आप लोगों के हवाले करता हूं। मैं जानता हूं बनारस के लोग बहुत समझदार होते हैं, बनारस के लोगों जैसा कोई नहीं सुनने वाला होता है। मैं बता रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से आप लोग कविता सुनते हैं ना साहब, कहीं भी नहीं सुनी जाती है। आप लोग बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता हैं, आप 100 कैरेट के श्रोता हैं, इससे ज्यादा चापलूसी नहीं कर सकता हूं मैं आपकी। पढ़ रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कविता सुनाता, सुनिएगा। कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। क्या बात, एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो, मतलब हद है। क्या गुरु? ना ना, ढैंचो ढैंचो कहा, आप समझ नहीं पाए, आप गधों की प्रवृत्ति से वाकिफ नहीं है, आप उनकी प्रवृत्ति समझने का प्रयास कीजिए। कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप बारीक बातों को भी पकड़ ले रहे हैं, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग सच में। कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें, आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं चलते चलाते, भाई अब मैं इधर बात कर रहा हूँ, तुम चैटिंग में लगे हुए हो यार, ये बहुत गलत बात है भाई। बहुत पहले उदय प्रताप सिंह जी ने कभी लिखा था मोहब्बत के बारे में कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। ये आपके जमाने की बात थी, इनके जमाने में मोहब्बत ही बदल गई। तो मैं लिखता हूँ कि कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, कैचिंग समझ रहे हो ना गुरु, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात है मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात है सर, मोहब्बत में परेशानियां क्या होती हैं, बहुत सारे लोग, सभी लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा वो डीपी व्हाट्सएप से हो नदारद या बिजी लाइन, सितम वो कौन सा है जो वो हर जाई नहीं करती। आपके साथ भी हुआ होगा, वो डीपी व्हाट्सएप से हो नदारद या बिजी लाइन, सितम वो कौन सा है जो वो हर जाई नहीं करती। मैं उसका चेक तो स्टेटस किया करता हूँ सारी रात, मगर वो ऑनलाइन होके रिप्लाई नहीं करती। साहब यही इज्जत रह गई है, और आज के समय में हर आशिक यही चाहता है। कितने लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लगभग लगभग सारे लोग करते हैं। आज के समय में हर आशिक के दिल की तमन्ना यही होती है कि इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। इश्क हिमांशु सुनो, इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो
टच वो दो बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। क्या बात है, जब कभी सारे अरमान निकल रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा आपको हंसाऊंगा नहीं, मैं बस एक संजीदा रचना आपके बीच रख करके जा। देखिए, कवि का काम सिर्फ हंसाना, गुदगुदाना, मस्खरी करना नहीं होता है, कुछ मैसेजफुल भी कविता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज का ये जो हर घर तिरंगा अभियान है, मैं समझता हूँ इससे पवित्र मंच और कोई नहीं हो सकता कि मैसेजफुल, कुछ संदेशात्मक रचना जानी चाहिए आपके बीच में। जब आप इतना सुन चुके हैं और आप कविता सुनने के, कुछ अच्छा सुनने के मूड में आ चुके हैं, दोस्तों हमारे लिए मोहब्बत पर जो पहला हक होता है ना, वो अपनी मातृभूमि का होता है। तो मैं पहले मोहब्बत से आपका रूबरू कराना चाहता हूँ। सुनिएगा कि जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके हवाले से पढ़ता हूँ कि जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं, तेरा परिधान रहे दिव्य, सुख संपदा हो, स्वर्ण सा हो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं, देवभूमि भारती मां वीर बलिदानियों की, पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। तालियां थामिए, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहिए। जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं, तेरा परिधान रहे दिव्य, सुख संपदा हो, स्वर्ण सा हो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं, देवभूमि भारती मां वीर बलिदानियों की, पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं, तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं। दोस्तों, जो दूसरा हक हमारे मोहब्बत का होता है ना, वो हमारी जन्मदात्री माँ के लिए होता है। मैं अपनी माँ को अम्मा बुलाता हूँ, मैं कहीं जब बाहर जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के पाँव छू कर जाता हूँ, और वो नियमतः 10 रुपया या 100 रुपया मेरे हाथ पे रखती हैं। ये हमारे संस्कार हैं, हम इस संस्कार को जीने वाले भारतीय लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ माँ के हवाले से, सुनिएगा कि उसे मैं खुश नजर आऊँ तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुधबुद भूल जाती है, सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से, ये जो मातृदिवस मदर्स डे मनाने की जो परंपरा चली है दोस्तों, ये सरासर बेवकूफी है। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, हर दिन माँ के लिए होता है। अरे जो जन्म देने वाली है उससे किसी भी दिन की तुलना हो ही नहीं सकती है। आप महिलाओं को मैं बार बार नारी शक्तियों को इसलिए भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि पूरा घर का काम निपटाना, बच्चों की परवरिश करना, उसके बाद भी शौहरों की गुलामी करना, लेकिन वो गुलामी प्यार से करना, मोहब्बत से करना, इतना करना किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ नारियां हैं जो पुरुषों को जन्म दे सकती है, कोई पुरुष कभी नारियों को जन्म नहीं देता। मैं तब पढ़ने की हिम्मत जुटाता हूं जो एक दिन मदर्स डे के लिए निकाल दिया गया है। भाई साहब, एक दिन मदर्स डे के लिए निकाला गया है, वो मैं पढ़ता हूं कि अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली। ये जो बड़े बड़े हवेलियों में लोग रहते हैं ना, वो जली शेरवानी जो अब मरहूम हो चुके हैं, उनका एक शेर था कि दौलत कमा ले जितनी भी, इज्जत तू भूल जा, नौकर है घर में 4-6, माँ की जगह नहीं। जली शेरवानी, मैंने 4 मिसले लिखे मदर्स डे को टारगेट करते हुए। जो बड़े बड़े हवेलियों के लोग हैं ना, उनके घर में कुत्ता रखने के लिए विशेष स्थान होता है। मैं तब पढ़ने की कोशिश करता हूँ जो फेसबुक पर लिख करके हैप्पी मदर्स डे और अंडबंड जो है सारा दिन, एक दिन ही सिर्फ निकाल करके माँ के लिए लंबी लंबी तारीफें लिखते हैं, उसके बाद माँ किसी साइड वाले कमरे में सरका दी जाती है या कहीं वृद्धाश्रम में पड़ी रहती है। मैंने 4 पंक्तियाँ उठाने की कोशिश की है, आपके हवाले करता हूं, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अगर आपका मन जुड़े तो तालियां बजाना, नहीं तो आप एक भी ताली मत बजाना। मैं तालियां इन पंक्तियों पे नहीं मांगता, ये दिल से लिखी गई कविता है, सुनिएगा। मैं पढ़ता हूं कि आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली,
अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली, और मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, मैं प्रणाम करता हूँ मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और सिर्फ चार मिसरे देता हूँ कि अगर वो ये बात याद कर लेते तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती माँ के साथ दुर्व्यवहार करने की। सुनिएगा कि माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उन्हें बेटों ने आखिर क्या दिया, जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। बहरहाल मैं आइए एक रचना से जोड़ता हूँ, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। मैं ये मानता हूँ कि आज़ादी में, देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान था। मेरी इन बातों से आप भी सहमत होंगे। एक रात में ख्वाब देखता हूँ, सपने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन होते हैं, उनके आँखों में आंसू है। मेरे बार बार पूछने पर वो नहीं बताते कि उनके आँखों में आंसू क्यों है। तब मैं छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता हूं कि नेताजी के आंखों में आंसू क्यों है। औसतन किसी व्यक्ति की आयु अगर 100 वर्ष मान ली जाए, निश्चित रूप से वो स्वर्ग में बैठे होंगे, और स्वर्ग में बैठने के बावजूद भी उनके आंखों में आंसू, मेरे पूछने पर जब वो नहीं बताते हैं तो मेरी आत्मा रोती है। तब मैंने छोटी छोटी टुकड़ियां जोड़ने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि इस कविता पर आप ताली बजाओ, बस एक बार सुन लो, बस मन से सुन लो, तो मेरी ये जो रचना है ना वो सार्थक हो जाएगी। मैं आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिएगा। कि गरीबी भूखमरी से छुप दो मन दिख जाए, गरीबी भूखमरी से छुप दो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए। भाई साहब हाथ खोल के बैठिए। गरीबी भाई साहब अब डिस्टर्ब ना करिएगा दो मिनट के लिए। गरीबी भूखमरी से छुप दो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए। जब कोई सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना ना मिले, जब भूखे पेट को दो वक्त का खाना ना मिले, सुनहरे भारत का सपना स्याह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मैंने आपसे इतनी भी तालियों की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपने बजाई, मैं आपका ऋणी हूं। मैं प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। गरीबी भूखमरी से छुप दो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए, जब कोई सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना ना मिले, जब भूखे पेट को दो वक्त का खाना ना मिले, सुनहरे भारत का सपना स्याह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। कहीं पे मजहब की तलवार खींचती है देखो, कहीं पे मजहब की तलवार खींचती है देखो, कहीं क्षेत्रीयता की आग जलती है देखो, जब भाषावाद के कारण शहर सुलगता है, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच बढ़ता है, धर्म के नाम पर जब मौलवी डराते हैं, बताकर श्रेष्ठता पंडे यहां लड़ाते हैं, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। यहां घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, फर्ज ईमान खुददारी का दम निकलता है, यहां सब चंदन है सर्प दंश सहते हैं, तमाम आस्तीनों में भी सांप पलते हैं, जब किसी बहन की डोली जलाई जाती है, बुराई की चले सत्ता भलाई जाती है, जब बूढ़ा बाप बेटियों का बोझ ढोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर जितनी नारियां बैठी हुई हैं उनके चरणों में ये कविता रखता हूं। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, माँ के ख्वाब की बगिया उजाड़ देता है, कहीं दहेज के लिए बलि चढ़े बेटी, अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़े बेटी, अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़े बेटी, जब
आजादी भेड़ियों के लिए खाल बन जाए, सुरक्षा देने वाला ही दलाल बन जाए। यहाँ जनतंत्र जब भी लहूलुहान होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों अगली पंक्तियां सौंपता हूँ। देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, कहीं ठिठुरे कोई कहीं अलाव जलता है, फूल मिलते नहीं है हार पाए जाते हैं, सत्ता में यहाँ गद्दार पाए जाते हैं। बताकर हित आदमी आम का लूटे दौलत, कोई लेकर सहारा राम का लूटे दौलत, जब कभी खून का पंजा गवाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों बहुत अच्छे। मित्रों एक मिनट के लिए आपको बता दूं, कविता का काम सिर्फ समस्या दिखाना नहीं है, कविता का काम समाधान देने की भी कोशिश करना है। मैं कवि कर्म को पालन करते हुए, कवि कर्म का पालन करते हुए आप लोगों को अंतिम पंक्तियों के एक मिनट बैठ जाइए, अंतिम पंक्तियों के माध्यम से इस पवित्र मंच से पूरे हिंदुस्तान से आह्वान करता हूं, आइए आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें। जो लोग इस देश को तोड़ने की राजनीति में लगे हैं, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं, आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, हो के दूर खामियों से राष्ट्रगान करें, हमारे हिंद से कभी भी गंगा ना रूठे, मरते दम तलक विजयी तिरंगा ना छूटे, चहकती धूप में सूरज भी मुस्कुराएगा, हो के मदमस्त यूं दमदार गीत गाएगा, कसम है हमको ये अंधेर न होने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न भरोने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न भरोने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न भरोने देंगे, अपने प्यारे सुभाष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।